गुड मॉर्निंग फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था सेकंड, गॉस के नियम और उसके अनुप्रयोग। गॉस का मैंने एक अनुप्रयोग आपको बताया है, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण गॉस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। आज हम दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। दूसरा जो अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई की आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। समझ में अनंत लंबाई की समरूप आवेशित अनंत लंबाई की समरूप अनंत विस्तार की, समझ में बात ठीक है। तो हम बात करते हैं समरूप आवेशित, दूसरा अनुप्रयोग है इसका। दूसरा अनुप्रयोग है समरूप आवेशित समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका, या हम कह सकते हैं चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करें। आज हम बात करेंगे गॉस का नियम का जो सेकंड एप्लीकेशन है, समरूप आवेशित अपरिमित। अपरिमित का मतलब होता है अनंत विस्तार की, अनंत लंबाई की, अनंत विस्तार की चालक, ऐसी चालक पट्टिका या चालक कह सकते हैं ठीक है, प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना, इसकी हम आज बात करने वाले हैं ठीक है। मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि गॉस की जो एप्लीकेशंस हैं, गॉस के अनुप्रयोग हैं, वो सभी इम्पोर्टेंट हैं ठीक है। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसकी परीक्षा में आता है, एक अनुप्रयोग हो जाता है और ये सभी क्या है, इम्पोर्टेंट है, समझ में बात ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक समरूप आवेशित अपरिमित मतलब अनंत विस्तार की एक पट्टिका लेंगे, चादर लेंगे और उसके कारण क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की क्या करेंगे, गणना करेंगे। विद्युत क्षेत्र किसकी नियम की सहायता से, गॉस के नियम की सहायता, किसकी नियम की सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से हम गणना करेंगे, समझ में आया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने अनंत लंबाई का कोई चालक तार लिया था तो मैंने सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात की थी, समझ में आया। उसके बाद में एक गॉसियन प्रश्न की कल्पना की थी जो बेलनाकार था, चालक तार के लिए मैंने गॉसियन प्रश्न एक बेलनाकार प्रश्न बना था। और जब बेलनाकार प्रश्न गणना करते हैं उसके बाद में हम गॉस के नियम की सहायता से क्या कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं, समझ में आया। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं, तो हम सबसे पहले पटका लेते हैं, तो हमारे पास ये भी पटका हुई। सबसे पहले हम एक पटका की बात कर लेते हैं, एक पट्टिका की बात करते हैं भैया, तो ये कोई हमारे पास पट्टिका है, अनंत विस्तार की है, ये हमारे पास कोई पट्टिका बनाई, ये कोई पट्टिका बनाई, ये अनंत विस्तार की पट्टिका, ये पट्टिका है अनंत विस्तार की पट्टिका है। अब क्या करेंगे, इस अनंत विस्तार की पट्टिका जो ली है आपने,
इसके कारण हम जो क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको आवेश दे देते हैं, कोई ना कोई आवेश दे देते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं इसको पट्टिका को, हम इस प्रकार से बना लेते हैं इस पट्टिका को, छोटा बना लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक पट्टिका बनाई डॉट डॉट मतलब अनंत विस्तार की, कैसी है अनंत विस्तार की पट्टिका है। अच्छा, अब जब इस पट्टिका को प्लस क्यू आवेश देंगे, जब इस पट्टिका को आप प्लस क्यू आवेश देंगे तो कैसी पट्टिका है, चालक पट्टिका। कैसी पट्टिका है, चालक पट्टिका। इसको मैंने दिया प्लस क्यू आवेश, कितना दिया प्लस क्यू आवेश। अच्छा पट्टिका है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इस पर कौन सा आवेश घनत्व उत्पन्न होगा, इस पे बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तार है, तार पे कौन सा आवेश घनत्व उत्पन्न होता है, रेखीय आवेश घनत्व। लेकिन पट्टिका है, पट्टिका पे कौन सा आवेश घनत्व उत्पन्न होता है, ठीक है। पट्टिका पर कौन सा सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको आवेश दिया तो इस पट्टिका पे कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा, क्या है सिग्मा। तो इस पट्टिका पर पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न हो गया सिग्मा, मतलब संपूर्ण आवेश एक समान दूसरे, ठीक है। संपूर्ण आवेश प्लस की जो आवेश दिया है वो तो एक समान रूप से इस पट्टिका पर फैल जाता है और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन तार में मैंने बताया था, तार में जो जो आवेश घनत्व उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, रेखीय आवेश घनत्व, कौन सा होता है, रेखीय आवेश घनत्व उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हमको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है, और विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो इसके बाद से मैं लेता हूँ, यहाँ इसका बिंदु है ओ, ठीक है, ओ बिंदु, यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु लेता हूँ पी, समझ में आया, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे पी, जिस पर हमको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आया, इसका नाम देता हूँ मैं ए ए बी सी डी, ठीक है। तो देखो क्या है, ए बी सी डी एक अनंत विस्तार की है, परिमित आकार की अनंत विस्तार की एक पट्टिका का भाग है, ठीक है, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। पट्टिका के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करनी है, ज्ञात करनी है, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, ये चालक पट्टिका है, कैसी पट्टिका है, चालक पट्टिका, समझ में आई बात, ठीक है, चालक पट्टिका है। और मैंने बताया आपको जब चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाया था कि किसी भी चालक पर चालक को जब आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है, समझ में आ गया, ठीक है, पृष्ठ पर आ जाता है, समझ में आ गया, भीतर उसके आवेश क्या होता है, वो शून्य होता है, ठीक है। तो ये कोई पट्टिका है, मैंने ये देखिए चालक है, समझ में आ गया, ये कोई पट्टिका है और ये चालक है, इसकी ये थिकनेस है, ठीक है, अंतपृष्ठ का क्षेत्र है, थिकनेस है इसकी, ठीक है। जब मैंने इसको आवेश दिया तो आवेश एक समान रूप से यहाँ फैल जाएगा, इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो अंदर वाला हिस्सा है यहाँ आवेश क्या होता है, शून्य होता है, समझ में आई बात। जब किसी भी चालक पट्टिका को आवेश, ध्यान से सुनना, मैंने बताया था किसी भी चालक पट्टिका को जब आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ ये पट्टिका मानी मैंने, इसको आवेश दिया तो एक समान रूप से आवेश, एक समान रूप से आवेश क्या हो जाएगा, वितरण हो जाएगा। और इस पट्टिका पर कौन सा आवेश घनत्व हो जाएगा, आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, समझ में आई बात, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी, मैंने क्या बताया कि ए बी सी डी एक पट्टिका है, प्लेट है, क्या है, प्लेट, कैसी प्लेट है, चालक प्लेट है, ए बी सी डी एक चालक प्लेट है और अनंत विस्तार की चालक प्लेट का एक भाग दिया है, ठीक है, ए बी सी डी एक अनंत चालक, अनंत लंबाई की या अनंत विस्तार की, ठीक है, चालक पट्टिका का एक भाग है, ठीक
ठीक है, जिसके मध्य बिंदु ओ या केंद्र बिंदु ओ, मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर त्रिज्या बिंदु ले लिया मैंने पी, जिस पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आई बात? ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले आपको पता होगा, मैंने जब अनंत लंबाई के लिए बताया था तो अनंत लंबाई के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले हम क्या याद करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। तो सबसे हम पहले क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आप पता है क्या करना है, सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की ज्ञात करते हैं, दिशा ज्ञात करते हैं, और दिशा ज्ञात करने के लिए आपको फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए ऊपर और नीचे, ठीक है, समान लंबाई के ऊपर और नीचे, एक तो यहाँ, ठीक है, एक तो मेरे यहाँ दशावेश है यहाँ और एक यहाँ में, ठीक है, दो अल्पांश लेता हूँ, ये डी एल वन ले लिया मैंने और यहाँ डी एल टू ले लिया। समझ में आई बात? दो अल्पांश लेता हूँ। अब ये अल्पांश अपना अपना क्या करेंगे, समान लंबाई के लिया मैंने दोनों अल्पांशों को, ठीक है, एक बार दबा देखेंगे। सबसे पहले हम पहला पॉइंट क्या करा देंगे, पहला पॉइंट क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या करनी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी। सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की ज्ञात करेंगे, दिशा ज्ञात करेंगे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए क्या किया, दो अल्पांश लेता हूं मैं, ठीक है, मध्य जो बिंदु वो है इसके ऊपर और नीचे दो मैंने अल्पांश ले लिए, ठीक है, समान लंबाई ऊपर डी एल टू और डी एल वन, इसका नाम ले लिया मैंने डी एल वन। समझ में आई बात? दो अल्पांश ले लिए हैं। अब ये अल्पांश बिंदु पी पर अपना अपना क्या उत्पन्न करेंगे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, तो इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। समझ में आई बात? ये भी अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो इसने भी अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, ठीक है। तो मान लिया कि इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, कितना डी ई वन, कितना उत्पन्न किया डी ई वन, ठीक है, इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया डी ई टू। यहाँ सुन लिया मैंने क्या किया कि मैंने दो अल्पांश लिए हैं, और अल्पांशों का आप पता है अल्पांश कौन कौन से लिए हैं, मैंने दो अल्पांश लिए हैं, एक लिया है डी एल वन, क्या लिया है डी एल वन, समझने की बात, ठीक है, एक लिया है डी एल वन और एक लिया है डी एल टू। या अब यहाँ हम अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्र के रूप में लेंगे, समझ किसके रूप में लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्र के रूप में लेंगे। तो अल्पांश ले लेते हैं, जब अल्पांश हम यहाँ लेते हैं तो देखो क्या आएगा, मैं नाम देता हूँ ए वन ए टू, दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ दो अल्पांश लिए, ये आपके चालक खंड का कोई भाग हुआ, यहाँ मैंने दो अल्पांश लिए, एक लिया ए वन, ठीक है, एक लिया मैंने ए टू, क्या लिया ए टू। अब ये दोनों अल्पांश बिंदु पी पर अपना क्या उत्पन्न करेंगे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो मान लिया इस अल्पांश लेने, यहाँ इसको मिला देता हूँ दोनों करके, ये अपना क्या उत्पन्न करेंगे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो जब ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे अपना, तो इसमें इस अल्पांश ने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, ये कर दिया। समझ में आई बात? ठीक है, इसका हमने विद्युत क्षेत्र मान लिया डी डी वन, कितना मान लिया डी वन, ठीक है, ये भी अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसका भी विद्युत क्षेत्र मान लिया डी टू। समझ में आई बात? ठीक है, अब मान लिया कि ये कौन थीटा है, ये कौन थीटा है, ये कौन भी थीटा है, तो ये कौन कितना होगा थीटा होगा, ये कौन कितना होगा थीटा। समझ में आई बात? अब आपको पता है दोनों ही जो अल्पांश हैं उनके उनके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों की जो दिशाएं हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। इसलिए अपना ए वन जो अल्पांश है, ठीक है, ए वन मैंने क्या किया अल्पांश माने हैं, सदिश क्षेत्र लिए मेरे बिंदु ओ से ऊपर और नीचे समान दूरी पर, स्मॉल एल स्मॉल एल दूरी पर दो अल्पांश लिए हैं, ए वन और ए टू, दो अल्पांश लिए। सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु ओ से ऊपर और बिंदु ओ के नीचे दो अल्पांश लिए हैं, ए वन और ए टू, ठीक है। अब ये ए वन और ए टू दोनों ही अपना क्या उत्पन्न करेंगे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे, बिंदु पी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये दोनों ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, ए वन ने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया डी ई वन, कितना उत्पन्न कर दिया डी ई
में बात ने अपना चतुर्भुज उत्पन्न कर दिया ई टू, समझ में नहीं बात। अब हम डायरेक्शन नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या है अलग अलग है, लेकिन इस स्थिति में ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा और थीटा सी का जो कोण है, ठीक है, ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा, ये कोण थीटा तो ये कोण कितना होगा थीटा, समझ में बात। तो अब हम क्या कर लेते हैं इनकी घटक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इनके घटक कर लेते हैं, तो घटक किए हुए इनके, ठीक है, देखो इसका डी टू का घटक हुआ डी टू का एक तो होगा और द्वारा घटक और एक होगा छेद घटक, तो द्वारा घटक हुआ तो द्वारा घटक क्या हो जाएगा इसका, तो द्वारा घटक हो जाएगा डी टू साइन थीटा, क्या हो जाएगा डी टू साइन थीटा, और इसका छेद घटक क्या हो जाएगा डी टू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा लगा होता है क्या आता है कॉस आता है, क्या आता है कॉस, समझ में बात। इसके मैंने घटक किए तो यहाँ मैंने घटक किए तो इसका नीचे की ओर घटक क्या हो जाएगा, सर नीचे की ओर है तो नीचे की ओर इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा इसका डी वन साइन थीटा, क्या हो जाएगा डी वन साइन थीटा, एक इसका होगा क्षैतिज घटक, क्या होगा क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा इसका डी वन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा डी वन कॉस थीटा, इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया इसके घटक। अच्छा दोनों अल्पांशों, ठीक है, दोनों अल्पांशों की बिंदु P से दूरी क्या है समान है, दोनों अल्पांशों की बिंदु P से दूरी क्या है समान है, जब दोनों अल्पांशों की बिंदु P से दूरी समान है, ठीक है, तो आपको पता है कि इनके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी समान, तो मैं लिख सकता हूँ डी वन बराबर में डी टू, दोनों के कारण दोनों अल्पांशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की का परिमाण क्या होता है समान होता है, समझ में नहीं बात, ठीक है। अच्छा अगर परिमाण d e1 बराबर d e2 है तो d e1 cos थीटा d d e1 cos थीटा d e2 cos थीटा, ठीक है, ये परिमाण में समान है क्योंकि d e1 का मान d e2 के बराबर है, तो ये तो आपस में दिशा में विपरीत है, परिमाण में समान है तो ये तो आपस में क्या हो जाते हैं निरस्त हो जाते हैं, समझ में नहीं बात, ठीक है। लेकिन इसके जो क्षैतिज घटक है d e1 cos थीटा d cos थीटा, ये एक ही दिशा में और परिमाण में समान होने के कारण क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, इसलिए जो दिशा प्राप्त होती है वो बिंदु O किसके OP के अंतर्गत प्राप्त होती है, कहाँ प्राप्त होती है OP के अंतर्गत प्राप्त होती है, समझ में बात, कहाँ प्राप्त होती है OP के अंतर्गत प्राप्त होती है, या आप कह सकते हैं कि जो दिशा प्राप्त होती है वो जो पृष्ठ है पट्टिका है उसके लंबवत, ठीक है, बाहर की ओर प्राप्त होती है, समझ में बात, ठीक है। एक बार थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे कि ये पट्टिका है आपकी, ये पट्टिका है, यहाँ पर यहाँ मैंने बिंदु P लिया तो दिशा जो प्राप्त होगी वो P के अनुरूप ऐसे बाहर की ओर प्राप्त होगी, ठीक है, इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर प्राप्त होती है, समझ में बात, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप याद कर लेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए पट्टिका को दो अल्पांश लिए हैं, ऊपर और नीचे दो अल्पांश लिए, दो अल्पांश समान दूरी पर है, इसलिए दोनों अल्पांशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा जो परिमाण होगा वो क्या होगा समान होगा, ठीक है। अब जब घटकों में इनको d e1 तथा d d e1 तथा d e2 को घटकों में विभाजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक d e1 sin थीटा थीटा तथा d e2 sin थीटा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक परिमाण और दिशा में समान होने के कारण क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, इसलिए जो दिशा प्राप्त होती है विद्युत क्षेत्र दिशा OP के अनुदिश प्राप्त होती है, O से P की ओर प्राप्त होती है, समझ में आई बात, ठीक है। आज अब आप बिंदु P को कैसे ले सकते हैं, ये पट्टिका है, आप बिंदु P को इधर ले सकते हैं, बिंदु P को आप इधर ले सकते हैं आठ दूरी पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम क्या ज्ञात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, क्या कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, ठीक है। तो देखो इसमें थोड़ा सा देखो, ए बी सी डी एक अनंत विस्तार की चालक पट्टिका का भाग है, ए बी सी डी एक अनंत विस्तार की चालक पट्टिका का भाग है, ए बी सी डी एक अनंत विस्तार की चालक पट्टिका का भाग है, चालक पट्टिका का भाग है। हम जानते हैं कि जब किसी चालक पट्टिका को आवेश दिया जाता है, तो संपूर्ण आवेश
हम जानते हैं कि जब किसी चालक पट्टिका को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है जिससे पट्टिका पर पृष्ठीय आवेश घन सिग्मा उत्पन्न हो जाता है जिससे पट्टिका पर पृष्ठीय आवेश घन सिग्मा उत्पन्न हो जाता है जिससे पट्टिका पर पृष्ठीय आवेश घन सिग्मा उत्पन्न हो जाता है। पट्टिका के लंबवत बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है। पट्टिका के लंबवत स्मॉल बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पट्टिका के लंबवत बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहला क्रम लेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। पहला क्रम डालेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। पहला पॉइंट आप डालेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना तो फटाफट डायग्राम बनाएंगे इसको दिशा ज्ञात करने के लिए जल्दी। तो लिखो इसमें डायग्राम बना दिया होगा आपने। पट्टिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु O के ऊपर और नीचे स्मॉल l दूरी पर बिंदु O के ऊपर व नीचे स्मॉल l दूरी पर दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। जिनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र D E1 था D E2 हैं जो परिमाण में समान हैं D E1 व D E2 को
घटकों में वियोजित करने पर DE1 by DE2 को घटकों में वियोजित करने पर DE1 by DE2 को घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक DE1 sin थीटा तथा DE2 sin थीटा DE1 by DE2 को घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक DE1 sin थीटा तथा DE2 sin थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। परिमाण में समान विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक DE1 cos थीटा तथा DE2 cos थीटा परिमाण व दिशा में समान होने के कारण जबकि DE1 cos थीटा तथा क्षैतिज घटक DE1 cos थीटा तथा DE2 cos थीटा परिमाण व दिशा में समान होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। DE1 cos थीटा तथा DE2 cos थीटा परिमाण व दिशा में समान होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। परिमाण व दिशा में समान होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। परिमाण के दिशा में समान होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश प्राप्त होती है। अच्छा, एक बार आप DE1 बराबर DE2 क्यों हुआ है? क्योंकि अल्पांश बिंदु P से अल्पांशों की दूरी क्या है? समान है। ठीक है, बिंदु P से अल्पांशों की दूरी समान है, इसलिए जितना विद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न करेगा उतना ही विद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो दिशा का निर्धारण करिए OP के अनुदिश। समझ में आया? OP के बाहर, जैसे कि ये पट्टिका है तो पट्टिका के बाहर क्यों इधर होगा बिंदु P या फिर इधर होगा? तो पट्टिका है, पट्टिका के बाहर इधर ही प्राप्त हो, दिशा प्राप्त हुई है या फिर इधर प्राप्त हुई। ठीक है, आप क्या ध्यान करेंगे? आप क्या करेंगे? हम दूसरा पॉइंट विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, वही आपको पता है। पट्टिका में दोबारा बना लेता हूं, ये आपकी पट्टिका थी, ये पट्टिका हुई,
और गाउसियन प्रश्न मैंने इस प्रकार लिया है, ये जो गाउसियन मैंने प्रश्न लिया है इस प्रकार लिया है कि इसका जो एक सिरा है, बेलन का जो एक सिरा है वो कहाँ है, पट्टिका के अंदर है, कहाँ है, पट्टिका के अंदर है, समझने की बात, ठीक है, जो एक सिरा है वो कहाँ है, पट्टिका के अंदर है, ये आप ध्यान से देखना। मैंने जो गाउसियन प्रश्न लिया है वो किस प्रकार लिया है कि जो एक सिरा है इसका बेलन का वो कहाँ है, पट्टिका के अंदर है। जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि ये आपकी पट्टिका है, ठीक है, ये आपकी पट्टिका है, तो मैंने एक बेलनाकार प्रश्न लिया है इसे, ठीक है, तो बेलन का एक हिस्सा बाहर है और एक हिस्सा कहाँ, बेलन का अंदर है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने एक जो प्रश्न लिया है वो आ एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्र लिया, ठीक है, एक आर लंबाई के गाउसियन प्रश्न किया गया है बेलनाकार, कैसे बेलनाकार गाउसियन प्रश्न की मैंने क्या किया, एक कल्पना की है, समझ मेरी बात, ठीक है, आर लंबाई के बेलनाकार प्रश्न मैंने क्या किया है, कल्पना की है। ध्यान सुनो, जब पट्टिका की चालक पट्टिका की बात कर रहे हैं तो हम एक गाउसियन प्रश्न लेंगे और गाउसियन प्रश्न इस प्रकार लेंगे कि उसका एक हिस्सा कहाँ हो, उसके अंदर हो, तो मैंने एक बेलनाकार गाउसियन प्रश्न की यहाँ की कल्पना, ठीक है, कि एक बेलनाकार आर लंबाई की और एस अनुप्रस्थ काट, एस अनुप्रस्थ काट, बेलनाकार अनुप्रस्थ काट कितना है, एस है, इस एस अनुप्रस्थ काट के मैंने एक बेलन की क्या की है, बेलनाकार गाउसियन प्रश्न की कल्पना की, ठीक है, और इसका एक हिस्सा कहाँ है, पट्टिका के अंदर है, समझ में, ये बात ध्यान रखने की बात है कि इस बेलन का एक हिस्सा पट्टिका के कहाँ है, अंदर है। जैसा कि आपको पता है कि बेलन है, इसके तीन भाग होंगे, कितने भाग होंगे, तीन भाग होंगे, एक मान लीजिए दूरत्व का एस वन, ठीक है, इसको मान लिया मैंने एस टू, ठीक है, और यहाँ मान लिया मैंने यहाँ एक अल्पांश दिया मैंने, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के साथ और कौन सी होगी, विद्युत क्षेत्र के साथ ऐसे है ई वेक्टर, ठीक है, और यहाँ अल्पांश दिया मैंने डी एस वेक्टर, तो डी एस वेक्टर के साथ मैंने ऐसे दी डी एस वेक्टर, ठीक है, और फिर क्या होता है, नब्बे डिग्री, ठीक है, तो देखो दो तो वृत्ताकार भाग होते हैं बेलन के, इसको मैंने मान लिया एस थ्री, ठीक है, जो वक्र पृष्ठ है उसको मान लिया एस थ्री, इस भाग को मान लिया एस वन, इस भाग को मान लिया, इस वृत्ताकार भाग को मान लिया मैंने एस टू, समझ मेरी बात, अब यहाँ मैंने एक लिया, यहाँ मैंने लिया, ठीक है, यहाँ एक डी एस अल्पांश दिया, ठीक है, बिल्कुल क्षेत्र की दिशा आप लगा लेंगे ई वेक्टर, ठीक है, और अल्पांश की दिशा यहाँ मैंने लिया है अल्पांश, तो अल्पांश की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर जो बता रहा हूँ आपको, तो अल्पांश की दिशा डी एस वेक्टर, ठीक है, बाहर की ओर हो गई, यहाँ थीटा कितना हो जाता है, थीटा बराबर में जीरो डिग्री, और यहाँ थीटा कितना हो जाता है, थीटा बराबर में नब्बे डिग्री, समझ गए बात, अब इधर भी लेंगे, जब इधर लेंगे हम तो यहाँ आपके पास इधर मैंने लिया, तो ये आपकी हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा, और बाहर की ओर पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की दिशा पट्टिका के दोनों ओर है, इधर भी होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा पट्टिका के इधर भी होती है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं मैंने, ठीक है, यहाँ लेने के लिए ई वेक्टर, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई इधर, ठीक है, और अल्पांश की दिशा भी कहाँ है, अंदर की बाहर की ओर है डी एस वेक्टर, समझ में आई बात, यहाँ थीटा कितना होता है, यहाँ थीटा जीरो डिग्री, कितना होता है जीरो डिग्री, जैसे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ मैंने क्या किया, एक बेलनाकार प्रश्न लिया, ठीक है, बेलन का ये जो भाग है, ये जो भाग है बेलन का, ये प्लेट है, ठीक है, तो ये जो भाग है बेलन का ये बाहर की तरफ है, ठीक है, तो यहाँ मैंने विद्युत क्षेत्र के साथ क्या कहाँ है, मैं निकाल चुका हूँ प्रश्न के लंबवत भाग की, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, समझ में आई बात, इधर से इधर होगी, ठीक है, बिंदु भी इधर तो इधर होगी, तो मैंने ये जो भाग दिया है बाहर की ओर दिया है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र दिशा इधर है ही आपको पता है, और यहाँ मैंने कोई अल्पांश दिया डी एस, क्या दिया डी एस दिया, तो यहाँ इसकी अल्पांश दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी, अब ये मैंने वक्र पृष्ठ पे बेलन के वक्र पृष्ठ पे एस थ्री पर एक दिया मैंने अल्पांश डी एस, कितना दिया डी एस वेक्टर दिया, अल्पांश क्षेत्र दिया डी एस वेक्टर, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और अल्पांश की दिशा आपके मन कौन से क्या हो रहा है, यहाँ नब्बे डिग्री, दोनों परस्पर क्या है, लंबवत है, अगर मैं यहाँ लूंगा तो देखो यहाँ इधर दिया, तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये इसके अंदर है, इस पट्टिका के कहाँ है, अंदर, इस पट्टिका में कोई ना कोई थिकनेस है, मोटाई है, उस मोटाई के अंदर ये क्या है, भाग है, तो मोटाई के अंदर यदि भाग देखें तो आपको पता है मोटाई ई वेक्टर बराबर जीरो, क्योंकि कोई भी आवेश नहीं होता है, चालक पट्टिका के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है, संपूर्ण आवेश कहाँ होता है, उसके पृष्ठ पे होता है, इसलिए दिशा तो ऐसे है इसकी ई वेक्टर की, लेकिन आपको पता है ई वेक्टर की दिशा तो ऐसे है, लेकिन ई वेक्टर बराबर यहाँ क्या है, ई वेक्टर बराबर यहाँ क्या है, जीरो, क्यों जीरो है, क्योंकि
पटका के अंदर आवेश नहीं है, और जहाँ आवेश नहीं है वहाँ विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, शून्य होती है। सोने के बाद ठीक है, तो यहाँ आप इसको डायग्राम को बनाएंगे फटाफट जल्दी। तो पहले आप इसको लिख लेंगे थोड़ा सा, देखो चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा स्मॉल स्मॉल आर लंबाई के एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एवं स्मॉल आर लंबाई के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को तीन भागों में विभाजित करते हैं। और इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को तीन भागों में विभाजित करते हैं, दो वृत्तीय भाग S1 व S2 तथा एक वक्र पृष्ठ S3 है। दो वृत्तीय भाग S1 व S2, दो वृत्तीय भाग S1 व S2 तथा एक वक्र पृष्ठ S3 है। तथा एक वक्र पृष्ठ S3 है। एक वक्र पृष्ठ S3 है। एक वक्र पृष्ठ S3 है। हाँ, तो इसके बाकी क्यों हो गए, तीन भाग हो गए S1, S2 और S3। ठीक है, हम निकालेंगे पृष्ठ से परिवर्तन आवेश। तो आप जल्दी इसको जल्दी बनाओ, डायग्राम बनाओ, ये बनाओ जल्दी डायग्राम बनाओ। हाँ ठीक है, आपने बनाया होगा डायग्राम, बना फटाफट जल्दी। हाँ, आपने कहा पृष्ठ से परिवर्तन आवेश, पृष्ठ से परिबंध आवेश, पता है आवेश कितना होगा, कितना होगा सिग्मा बराबर में क्यू अपॉन में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है एस, कितना है एस। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बराबर में सिग्मा एस। इसको समीकरण नंबर दे देंगे, समीकरण नंबर एक दे देंगे, समीकरण नंबर एक। यहाँ पर पृष्ठ से परिबद्ध आवेश निकाला, इसके बाद निकालेंगे बेलनाकार पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स। यहाँ निकालेंगे बेलनाकार बेलनाकार पृष्ठ से संबद्ध एसोसिएट संबद्ध विद्युत फ्लक्स। जब फ्लक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, फ्लक्स आपको पता है समाकलन ई वेक्टर डॉट
गॉस के नियम से ध्यान दिया, गॉस के नियम से जब गॉस के नियम से हम बात करेंगे तो गॉस के नियम क्या कहता है, यहाँ गॉस का नियम जाएगा E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस का नियम। Q बराबर क्या है, सिग्मा एस, ठीक है, Q बराबर क्या है, सिग्मा एस, यहाँ जाएगा बल समाकलन E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर में सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, समझ में ये बात, ठीक है, यहाँ तक आप बताओ पता जल्दी। जल्दी उतारो भैया, फटाफट जल्दी फटाफट करो, कमान कितना जीरो डी एस कॉस जीरो,
ये एस टू के लिए और एस थ्री के लिए क्या आ जाएगा, प्लस में एस थ्री के लिए क्या आ जाएगा, एस थ्री के लिए ई डी एस कॉस 90 डिग्री, ठीक है, बराबर में सिग्मा एस कोण में एप्सिलॉन लॉग, ठीक है। देखो ये क्या आ जाएगा, एक ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा समाकलन एस वन मतलब ई डी एस, देखो जीरो जीरो एक, यहाँ जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो कितना है, जीरो, तो यहाँ जीरो प्लस में कॉस का मान जीरो बराबर में क्या आ जाएगा, सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको आगे जब हल करेंगे तो ई को बाहर ले लेंगे, ई को बाहर ले लिया, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा डी एस एस वन बराबर में सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप पता है इसका जो समाकलन होगा डी एस का समाकलन क्या होता है, एस ds का समाकलन हो जाएगा, समाकलन ds बराबर में हो जाता है s, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र कितना है, संपूर्ण अनुप्रस्थ का कितना है, संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का अनुप्रस्थ का क्षेत्र है s, ठीक है। यहां आ जाएगा ds बराबर में सिग्मा s अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आपके s से s कट जाएगा, समझ में आ रहा, जल्दी बोलो फटाफट, s से s कट जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में आगे अगला उपयोग कराएंगे, ठीक है, धन्यवाद।